देवरिया में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने जिले के पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के इशारों पर एग्जिट पोल को दिखाया और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ये कहा। दिलीप यादव ने कहा कि बिजली काटकर ईवीएम बदलने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर समाजवादियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अभी बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में दिखाया गया था और भाजपा की सरकार दिखाई गई थी, लेकिन जब परिणाम आए तो ममता बनर्जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे थी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग जानते हैं कि मीडिया पर इनका पूरा फोकस होता है और मीडिया मैनेजमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बारीकी से करते हैं। पूरा एक स्कैम है और ये पूरा एक पैकेज है मीडिया के लिए, भारतीय जनता पार्टी और शासन में बैठे लोगों का, कि प्रचार से लगाए और एग्जिट पोल तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हिसाब से हो, इस तरह की पूरी सेटिंग और ये एग्जिट पोल उसी का परिणाम है। आप चुनाव के मतगणना के बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा।